हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फर्स्ट डी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे एडमिट कार्ड ये। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बट यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड आखिर कब तक आएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड आपके कब तक रिलीज़ किए जाएंगे और आपको डॉएट या कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जो है वो कब तक प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जो इसकी जारी की गई थी, उस ऑफिशियल नोटिस में जो है जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स जो रिलीज़ किए गए थे, उसी में आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। जैसा कि आपको पता है, डीएलएड प्रशिक्षण 2017-18-19 अवशेष और अनुत्तीर्ण एवं डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021 के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा और 2023 सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन संबंधित जनपद में प्राचार्य जिला प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किए गए हैं। इसके प्रवेश पत्र दिनांक 1/7/2023 को सायंकाल तक डाइट या निजी कॉलेज में लॉगिन के वेबसाइट पर इतने पर अपलोड कर दिया जाएगा और डाउन और उसके बाद निजी संस्थान या फिर जो डाइट हैं वो अपना डाउनलोड कर पाएंगे। निजी संस्थान द्वारा प्रवेश पत्र प्राचार्य डाइट से हस्ताक्षर और मुहर अंकित कराने के उपरांत निर्गत की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यानी दोस्तों 1/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 को जो है आपके शाम तक जो है ये आपके प्रवेश पत्र जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और डेफिनेटली आप 2 तारीख को अगर आपने कॉलेज या फिर डाइट जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रवेश पत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 तारीख को सायं तक आएगा, उसके बाद वो लोग अपना डाउनलोड करेंगे, मुहर वगैरह उनकी जो ऑफिशियल प्रक्रिया है वो पूरी की प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद देन आपको वो प्रवेश पत्र निकाल के देंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग 2 तारीख को जो देते हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो 2 तारीख को अपने कॉलेज में पता करके वहाँ से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।